हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सॉल्यूशन। ओके, माय नेम इज स्नेहा गिरी। वी वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 19। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्यूशन, समीकरण का गठन और समाधान। एंड वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी विल कवर 3 to 4 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। हिंदी के बच्चों के लिए भी है ये और इंग्लिश के बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो जो हम लोग कह रहे हैं आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, आप उसको साथ साथ में लिख लो तो वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा करना इसका सोल्यूशन। मैथ में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है तो आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आप चाहते हैं कुछ तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हम लोग रिक्वेस्टेड वीडियोस ही बना रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो हम लोग इसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर करेंगे। तो अगर आपको सोल्यूशन को अच्छी तरह से देखना है, जानना है, समझना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। डिवाइड 830 इंटू टू पार्ट इन सच अ वे दैट 30% ऑफ वन पार्ट विल बी 4 मोर देन अनदर। मतलब कि 830 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि एक का 30% दूसरे वो। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। ओके, डिवाइड 830 इंटू टू पार्ट, मतलब कि 830 को दो भाग में ऐसे बांटना है कि 30% ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का 30% दूसरे पार्ट के 4 more than 40% अनदर, दूसरे पार्ट के 40% से चार अधिक है। ठीक है, चार अधिक है। तो बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बांट बांट के टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है जिससे सोल्यूशन बनाना करना इजी हो जाए। और एक बार सोल्यूशन बन जाता है, इक्वेशन बन जाएगा तो सोल्यूशन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट ही करते हैं। वन पार्ट को एक्स मान लेते क्योंकि हमें तो पता है नहीं कि इस 830 में कितना भाग, 830 टोटल है। ठीक है, इसमें कितना कितना कौन सा पार्ट 30% है, कौन सा 40 है, ये हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वन पार्ट को एक्स मान लेते हैं तो अनदर पार्ट क्या हो जाएगा, या फिर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट 830 माइनस एक्स ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कि अगर 10 है, एक पार्ट को अगर 2 मानते हैं तो दूसरे पार्ट को 8 मान सकते हैं ना, तो ये 8 कहाँ से आया, 10 माइनस 2। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे फॉलो किया है कि दूसरे को लाने के लिए हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा भी आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट हो गया। अब जैसे कि इसमें क्या लिखा है, 30% ऑफ वन पार्ट, वन पार्ट क्या है, एक्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे 30% ऑफ वन पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो भी है, वन पार्ट। देखो ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, गुना का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाई 30% by 100 हो जाता है। ठीक है, 30% दैट इज नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई वन पार्ट क्या है, एक्स, तो क्या हो गया ये 30x/100। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थ्री ये जीरो से जीरो कट गया, थ्री बाई टेन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद है 40% ऑफ अनदर, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले ही, 40% ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40/100। ठीक है, परसेंटेज नीचे आ गया, मल्टीप्लाई अनदर पार्ट क्या था, ये था 830 माइनस एक्स, इसको भी कट करते हैं। ठीक है, और भी कर दो, 2 2 4, 2 5 10, कितना हो गया, 2 830 माइनस x/5। ठीक है, दोनों को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि 30% ऑफ वन पार्ट आ गया हमारा कितना, 3x। ठीक है, 3x/10 वन पार्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ वन पार्ट दैट इज ये इज 4 more than another part। ठीक है, 40% ऑफ अनदर पार्ट, तो 40% भी हमारे पास है ये, तो लिख देते हैं 2 830 माइनस x/5, इससे 4 more है ना, तो +4। ठीक है, बस ये आपका इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या करना है, हमको सोल्यूशन करना है। चलो सोल्यूशन करते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे 3x/10 ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 202
और ये हो गया 6 और ये 8 2 16, ठीक है। माइनस 2x हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बाय 5 प्लस 4, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई और करेंगे, 3x/10 इज इक्वल्स टू, ये 5 LCM हो गया, ठीक है। 5 से 5 कटा, 1660 माइनस 2x प्लस 5 4 20, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, 20 को ऐड कर देना है, 1660 में 20 को ऐड करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओके कितना हो जा रहा है, 1680 माइनस 2x/5, ठीक है, इतना हो गया। ओके अब हमें क्या करना है, इसको यहीं लिख देते हैं, 3x/10 इज इक्वल टू 1680/5, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर करती हूँ। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, सॉरी 1680 माइनस 2x भी तो था, सॉरी माइनस 2x, ठीक है। अब इसको 5 से 10 कट जाता है, 5 2 10, 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इधर, इससे इधर, देखो 2 से 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ये ज़्यादा वाला है, तो इधर पहले करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1680 को 2 से करेंगे तो 0 8 2 16 कैरी, 1 6 2 12 प्लस 13 हो गया, 1 2 1 2 3 3 3 6 0 आया, माइनस कितना हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। 3 को इधर किया, कुछ भी नहीं है तो 3x का 3x ही रह गया। अब इसे, अब देखो इसको मैं घुमा के लिख देती हूँ, 3x इज इक्वल टू 3360 माइनस 4x, ठीक है। अभी 4x जब उधर गया तो क्या हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, 4x 3360, ठीक है। यहाँ पे आया 7x इज इक्वल टू 3360, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3360/7। अब 7 से इसको काटना है, 7 4 28 हो गया, 33 माइनस 28 कितना होता है, ओके तो 33 माइनस 28 5 हो गया, 56 हुआ, 7 8 56, ठीक है। और ये 0 का 0 कट गया 480 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 480 आ गया, 1 पार्ट 480 आ गया। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 830 माइनस 480, इसे सिंपली हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ माइनस करके क्या आ रहा है, 350। तो सेकेंड पार्ट भी आ गया, फर्स्ट पार्ट भी आ गया, यही तो फाइंड करना था। इसको आप थोड़ा लिख देना कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 480, सेकेंड पार्ट इज इक्वल 350, एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ये इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों आंसर हो गया, तो होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ खास नहीं मेहनत था इसमें, ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, डिवाइड 56 इनटू टू पार्ट्स सो दैट द थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट बिकम्स 48 मोर देन 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होंगे आपको बस ये मान लेना होगा कि वन पार्ट x और दूसरा पार्ट 56 माइनस x, ठीक है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, पिछला कॉन्सेप्ट था, सेम वही फॉलो करना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट ही करते हैं, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या लिखेंगे, लेट वन पार्ट इज, या फिर फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 56 माइनस x, ठीक है, ओके। अब इसने एक चीज क्या बोला है, थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट, देखो मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए समझा दे रही हूँ, सॉरी। डिवाइड 56 इंटू टू पार्ट, मतलब कि 56 को दो ऐसे भाग में बांटना है जिसमें जैसे थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का 3 गुना 48 ज्यादा हो जाता है, 48 मोर देन 48 ज्यादा हो जाता है 1/3 ऑफ सेकंड, मतलब कि एक बटा तीसरा भाग सेकंड का, ठीक है, एक तिहाई भाग दूसरे नंबर का, ठीक है, 48 ज्यादा हो जाता है। चलो करते करते और भी समझ में आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमने x मान लिया, दूसरा पार्ट हमने 56 माइनस x मान लिया, ठीक है। थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब 3 गुना फर्स्ट पार्ट का क्या होगा, थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 3x, ठीक है। थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट बोला था तो हमने वो कर लिया, उसके बाद क्या है, 1/3 ऑफ सेकंड,
तो 1/3 भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ये सब करके रखना ही सही होता है। 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, 1/3, सेकेंड पार्ट कितना है, 56 माइनस एक्स है, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3, दैट इज 56 माइनस एक्स बाई थ्री, ये हो गया 1/3, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, या आप लिख भी सकते हो, ये पूरा लाइन एग्जाम में लिख के करना ही ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो हम बस ये लिखना है कि थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट बिकम 48 मोर देन, 48 मोर देन दी थर्ड, दी 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो ये 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट से ही ना 48 ज्यादा है, 48 ज्यादा है, इसका मतलब प्लस किस में होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, यही ध्यान देना है, प्लस किस में होगा, 48 किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो इसमें प्लस होगा, बस ये हो गया। देखो थ्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 46 माइनस 6, 1/3 पार्ट का कितना, 48 अधिक है, कर दिया, हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया, एक एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये क्या है, समीकरण, दैट इज इक्वेशन आपका आ गया। अब अभी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, बच्चों की तरह जैसे सॉल्व करा जाता है वैसे ही। तीन या तीन का क्या होगा, लसापा लेंगे, एलसीएम, तो 3 होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा, कट जाएगा, 56 माइनस एक्स आएगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। अब 56 प्लस 144 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है, और यहाँ कहाँ क्या था, 3x था, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे इसको, इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो वैसे होगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x हो गया, 9x इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स, ठीक है, मैं इधर कर लेती हूँ, यहाँ फिर 9x, ये x उधर गया तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस एक्स इज इक्वल टू 200, ये हो गया 10x इज इक्वल टू 200, एंड x इज इक्वल टू 200 बाई 10, 10 से 200 को काटेंगे कितना आएगा, 20, डिवाइड करने पे 20 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, एंड सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू कितना, 56 माइनस 20, 56 माइनस 20 कितना होता है, 36, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये और ये और ये तीनों, ठीक है, बहुत ही ईजी था ये, तो बहुत महा ईजी कहेंगे इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 1/5 पार्ट ऑफ द पोल लाइज इन अ मड, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाऊंगी वैसे वैसे समझ में आएगा, एंड 3/5 पार्ट लाइज इन अ वॉटर एंड रिमेनिंग 5 मीटर लाइज अबव द वॉटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, मतलब कि 1/5 भाग, हिंदी के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, 1/5 भाग पोल का लाइज इन अ मड, कीचड़ में है, ठीक है, ये एक पोल है मान लो, ठीक है, तो 1/5 पार्ट क्या है, कीचड़ में है, ठीक है, 1/5, एंड 3/5 पार्ट लाइज इन द वॉटर, 3/5 पार्ट कितना है, वॉटर है, ये वॉटर वाला क्या है, 3/5, एंड जो रिमेनिंग बचा है वो कितना है, 5 मीटर, 5 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, तो इस पोल का हमें लेंथ पता करना है, ओके ओके। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नहीं पता होता है उसे ही मानना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द पोल इज एक्स मीटर, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द पोल कितना, एक्स मीटर, मतलब कि इस पूरे पोल का लंबाई हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एंड पार्ट पार्ट ऑफ द मड, ये जो मड वाला पार्ट है क्या है, पार्ट ऑफ द पोल इन मड, ये 1/5 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द पोल विच इज इन मड, इन मड डायरेक्ट लिखते हैं, इन मड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ टोटल, ठीक है, देखो अगर टोटल लंबाई एक्स है तो इसी एक्स का तो ये पार्ट है ना, एक्स का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज का, दैट इज ऑफ दिस, ये जो क्या कहते हैं, पोल है, पोल का ही तो भाग है ये छोटा सा मड, जो मड में भरा हुआ है कीचड़ में, तो इसी का पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई फाइव, ठीक है। उसी तरह पार्ट ऑफ द पोल इन वॉटर क्या होगा, सेम थिंग करेंगे, ये जो 3/5 है ये टोटल का है, इसी का हिस्सा है, दैट इज 3/5 ऑफ एक्स,
हो जाएगा 3x/5। ओके ठीक है, इसके बाद क्या रिमेनिंग पार्ट भी बच जा रहा है 5 मीटर। अब इसी के सहारे हम बनाएंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि 1/5 पार्ट ऑफ मोल लाइज सॉरी पोल लाइज इन द मड एंड 3/5 पार्ट लाइज इन द वॉटर एंड रिमेनिंग 5 मीटर लाइज अबव द वॉटर, देन फाइंड द लेंथ। तो बस वही करना है, ये टोटल में से अगर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, ये टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। आपको मैं फिर से बताती हूँ, ये जो टोटल क्या है, ये टोटल ये जो लंबा सा है ये क्या है, पोल है। इस पोल में से इस दोनों भाग को अगर हमने माइनस कर दिया तो ये भाग आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। टोटल एक्स है ना, टोटल लंबाई हमने कितना मान लिया है एक्स, द लेंथ ऑफ द पोल हमने क्या मान लिया एक्स, एक्स एक्स में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, एक्स प्लस फाइव एक्स बाई फाइव प्लस 3x/5। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बचा वही तो है 5 मीटर। ठीक है, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स माइनस ये एक्स बाई फाइव, ये तो नीचे दोनों के 5 5 है, तो बाई फाइव एक्स प्लस 3x होगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। ओके दिख रहा है, तो एक्स माइनस ये हो गया 3x + x 4x/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे माइनस करते हैं तो 5x - 4x कितना हो जाएगा, एक्स बाई फाइव। आप लोग कर लेना एलसीएम लेकर बाई फाइव। ठीक है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 5 × 5 कितना 25। आगे एक्स का वैल्यू 25, मतलब कि लेंथ ऑफ द पोल कितना है, लेंथ ऑफ द पोल इज इक्वल टू 25 मीटर। यही लाना था, ये आ गया फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। एट प्रेजेंट माय फादर्स एज 7 टाइम्स ऑफ माय एज। अभी फिलहाल अब प्रेजेंट में वर्तमान में मेरे पिताजी की एज मुझसे 7 गुनी है, 7 टाइम्स मेरे से 7 गुनी अधिक है। देन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर मतलब कि 10 साल के बाद माई फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज, मेरे फादर की एज 3 गुना हो जाएगी मेरी एज की। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड माइन, मतलब कि मेरा एज और फादर का एज कितना है ये हमें पता करना है। ठीक है, होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो प्रेजेंट में फादर का एज 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ उस लड़के का एज है, माइन मतलब मेरे एज का है। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ही मान लेते हैं जो है वही, तो लेट लेट एज ऑफ माई एज इस तरह लिखते हैं, लेट माई एज इज इक्वल टू एक्स एंड माई फादर एज, फादर एज कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स है 7x। ठीक है, इतना ईयर्स में है। ठीक है, ईयर्स ईयर्स ठीक है, इतना ईयर्स है फादर और मेरा एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, अब पहले निकालते हैं आफ्टर 10 ईयर्स इनका एज कितना हो जाएगा। ठीक है, तोड़ तोड़ के बनाने से आप लोग को शायद ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स माई एज, मेरा एज क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद 10 ऐड हो जाएगा ना उसमें, दैट इज एक्स प्लस 10 हो जाएगा। अगर अभी मेरी एज 5 साल की है तो 10 साल बाद में कितनी की हो जाऊंगी, 15 ईयर्स की, 15 साल की। ठीक है, मतलब कि 10 उसमें ऐड हो जाता है, और जब भी बोलेगा कि बिफोर या अगो तो हमें माइनस करना होता है। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज, फादर का एज कितना है 7x है अभी, और उसके बाद 10 ईयर्स पर 7x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एट प्रेजेंट माई एज ये तो हो गया। ठीक है, माई फादर एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज, मतलब कि 10 साल के बाद मेरे पिताजी की एज मेरे से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, मेरे से 3 गुनी हो जाएगी, तो फादर की एज क्या है 7x + 10 और मेरा एज कितना है x + 10, तो मेरा एज कितना फादर की एज को बराबर करने के लिए 3 गुना हो जाएगा। इसमें 3 गुना नहीं करना है, आपको इक्वल का साइन देना है, तो यही ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट अगर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सन का एज तो बहुत कम हो जाएगा और फादर का बहुत ही ज्यादा, तो क्या इक्वल होगा, इक्वल करने के लिए 3 गुना हो जाता है।
ठीक है, फादर की एज इसकी एज का 3 गुना हो जाता है, तो इस तरह लिखना होगा। ठीक है, ध्यान से आपको ये चीज करना है। अब हमें इसको क्या करना है, ये इक्वेशन हो गया रिक्वायर्ड, ये आपका एक आंसर हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, 7x + 10 = 3 × 3x + 30। ओके, अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 7x - 3x ये इधर आया, माइनस हो गया, ये 30 पहले से था, ये इधर गया तो -10 हो गया, कितना 4x = 20, दैट इज x = 20/4, दैट इज 5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक्स हमने किसको माना था, माई एज, मतलब कि मेरी एज एक्स है, दैट इज माइन एज या जो भी है, = 5 years। एंड फादर्स एज, फादर होगा ठीक है, फादर्स एज = कितना हो जाएगा, 7x, 7 × 5, दैट इज 35। मतलब अभी वो 5 साल का है और उसके पिताजी कितने साल के हैं, 35 साल के हैं। आ गया आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो ना, जो ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, और अगर आप इस तरह की ही वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन होता रहे और हमें भी वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप मैसेजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। बाय बाय।